नमस्कार, मैं हूं उज्ज्वल प्रियवीर और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें तीसरे देश को ना पढ़ना चाहिए ना ही हिंसा भड़काने का काम करना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका कई बार कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बात कह चुका है। महंगाई और गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहता। इमरान खान ने एक अमेरिकी अखबार को दी इंटरव्यू में भारत को फिर से परमाणु हमले की गिदर भभकी दी है। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौरी के सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गाजियाबाद में सीवर सफाई के दौरान 5 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वक्त लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।